पृथ्वीराज में 11वीं सदी को दिखाने के लिए कितने महलों को किया गया रिक्रिएट, कितने करोड़ खर्च हुए एक महल को बनाने में, कब रिलीज होगी ये फिल्म। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। अक्षय कुमार इन दोनों अपनी अपकमिंग एक्शन कॉमेडी फिल्म बच्चन पांडे को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। वहीं इस साल उनकी हिस्टोरिकल जॉनर की पृथ्वीराज भी आ रही है। इस फिल्म में 11वीं सदी की दिल्ली, कन्नौज और अजमेर को रिक्रिएट किया गया है। वहां के आलिशान महलों का ढांचा मुंबई में बनाया गया है। फिल्म से जुड़े सूत्रों ने बताया, कहानी के हिसाब से इसमें कुल 7 महलों के विशालकाय सेट क्रिएट किए गए हैं। इस पर तकरीबन 18 से 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं पर सेट में। संजय दत्त इसमें पावरफुल कैरेक्टर में है। वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के चाचा और तब के शक्तिशाली सामंत काका कर्ण के रोल में है। पृथ्वीराज में संजय दत्त का पॉजिटिव रोल है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संजय दत्त फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा की शमशेरा में नेगेटिव रोल में है। वहां वो ब्रिटिश हुकूमत के जमाने के जेलर के रोल में हैं। रणबीर कपूर उसमें अपने पिता की मौत का बदला लेते हुए नजर आएंगे। रणबीर कपूर हाल ही में इस बीच वीकेंड पर टी सीरीज के ऑफिस में नजर पाए गए थे। वो वहां टी सीरीज की अगली प्रोडक्शन एनिमल की शूट शुरू करने वाले हैं। वो हाल में लवरंजन की श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म की शूटिंग में भी बिजी हैं। और वहीं बात करें संजय दत्त की, तो संजय दत्त भी टी सीरीज के साथ तुलसीदास जूनियर नामक फिल्म में नजर आने वाले हैं। और इस फिल्म में संजय दत्त स्नूकर प्लेयर बने हैं। पृथ्वीराज में संजय दत्त का किरदार शूरवीर योद्धा काका कनका है। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी जाती थी। गुस्सा आने पर काका कन आंखों से वो पट्टी उतार लेते थे। इसके बाद वो जंग के मैदान में किसी भी तरह का कहर बरपा सकते थे, इसीलिए भी उनका नाम काका कन था। सूत्र बताते हैं कि इस फिल्म की तैयारियों के लिए अक्षय कुमार ने अपनी बाकी फिल्मों के मुकाबले अतिरिक्त मेहनत की है। पृथ्वीराज के रोल के लिए डिक्शन में कोई त्रुटि ना हो, उसके लिए अक्षय कुमार ने अलग से वर्कशॉप अटेंड की है। मूवी की शूटिंग शुरू होने से पहले रिसर्च रैकी महीने भर चली थी। फिल्म में जितने भी युद्ध वाले सीन हैं, वो अक्षय ने 500 से 700 जूनियर आर्टिस्टों के साथ फिल्माए हैं, खासकर संयोगिता के स्वयंवर और अश्वमेघ यज्ञ वाले सीन्स में। सब हैरान थे कि अक्षय कुमार ने महीने भर कैरेक्टर की तैयारी की है। उन्होंने इस किरदार के लिए वेट गेन भी किया है। उन्होंने भारी भरकम तलवार से फाइट सीन्स भी शूट किए हैं। तो दोस्तों, आप अक्षय कुमार की इस आने वाली फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हैं? क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाएगी? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज़।